नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर जनपद फारुखाबाद कस्बा कायमगंज के समाजसेवी डॉक्टर महेंद्र गुप्ता ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान करते हुए अपनी टीम के साथ कल्याण रैपिड एक्शन फोर्स महिंद्रा टास्क फोर्स मुस्लिम महासभा युवाओं द्वारा कमान संभाल ली है। डॉक्टर महेंद्र ने कोरोना महामारी से बचाव के जनमानस को जागरूक करते हुए कस्बे में मास्क और सैनिटाइजर बांटे। उन्होंने कहा कि जब तक हर व्यक्ति इस बेसिक महामारी से बचाव के लिए स्वयं को जागरूक नहीं करेगा, तब तक कोरोना महामारी खत्म नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर महेंद्र, चेयरमैन महेंद्रा आई हॉस्पिटल कायमगंज फरुखाबाद, एक बार फिर वैश्विक महामारी कोरोना ने अपना रूप दिखाना चालू कर दिया है और यहाँ तक कि दिल्ली के कुछ भागों में लॉकडाउन भी कर दिया है और हमारे जनपद के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल मिश्रा जी, जो कि समाज के प्रति और सेवा के प्रति, त्याग के प्रति बहुत ही समर्पित हैं, उनके कुशल प्रशासन से हमारे जनपद में कई घटनाएं काफ़ी कम हुई हैं और आज उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि जो बिना मास्क के पाया जाएगा, जो मास्क नहीं लगाएगा, उसको कम से कम 10 घंटे तक जेल में रखा जाएगा। देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों का काम होता है हम लोगों की रक्षा करना, सजग करना, जागरूक करना, लेकिन उससे पहले और उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों का भी फर्ज है कि हम लोग जागरूक होके खुद जागरूक हों और लोगों को जागरूक करें, क्योंकि वैश्विक महामारी जो कोरोना है उसका मुकाबला और उसका खात्मा जब ही किया जा सकता है जब हम लोग एकजुट हों। सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए। पूरे लॉकडाउन में मेरे द्वारा जनपद का हर जगह, हर कस्बे में सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया, कई हजार मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए और मैंने खुद ट्रैक्टर पर बैठकर सैनिटाइज किया और गरीबों को भोजन दिया। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, आप लोग जागरूक नहीं होंगे, तो पुलिस प्रशासन या कोई भी हमारे मोदी जी या योगी जी का सारा प्रयास विफल होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर सभी से यही अनुरोध करूंगा कि सभी लोग जागरूक होकर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हमारे साथ हैं मुस्लिम महासभा के अमान खान। सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग जो हैं वो इस कोरोना महामारी में प्रशासन का साथ दें। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मास्क वितरण समारोह जो है वो रखा है डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, महेंद्र आई हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं इनके द्वारा, और हम लोगों ने जो है वो साथ में मिलकर यहाँ पर मास्क वितरण किया है, सैनिटाइजर जो है वो लोगों को करवाया है, टेम्परेचर भी नापा गया है। आप सभी लोगों से ये हमारी गुजारिश है, जो कायमगंज क्षेत्र के नगरवासी हैं और हमारे ज़िले के हैं उनसे हमारी पुरजोर ये गुजारिश है और कोशिश है कि आप लोग इस महामारी में, इस बीमारी को हल्के में ना लें, प्रशासन का साथ दें। जैसा कि अभी जो है वो न्यूज़ के माध्यम से पता चला है, माननीय कप्तान साहब द्वारा जुर्माने का जो है वो प्रावधान किया गया है मास्क ना लगा होने पे। तो आप सभी लोगों से हम ये अनुरोध करते हैं, बच्चे, बुज़ुर्ग और अपने नौजवान साथियों से, कि जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें और इस जानलेवा बीमारी से जो है वो प्रशासन को लड़ने में सहयोग प्रदान करें। मेरे साथ मदर टेरेसा फाउंडेशन की पूरी टीम मौजूद है, मुस्लिम महासभा, मैं नगर अध्यक्ष के पद पर हूँ, मेरे साथ मुस्लिम महासभा के भी कोषाध्यक्ष और महासचिव भी मौजूद हैं। हम लोगों का ये प्रयास रहा है पूरे लॉकडाउन, डॉक्टर साहब के माध्यम से हम लोग डॉक्टर साहब के साथ पूरी टीम मिलकर काम करती है, मदर टेरेसा फाउंडेशन भी डॉक्टर साहब के साथ सहयोग से कांधा मिलाकर हम लोग मिलकर पूरे लॉकडाउन लोगों को राशन वितरण किया है, लोगों को मास्क वितरण किए हैं और जो भी लोगों के साथ परेशानी आई है उनको दूर किया है। डॉक्टर साहब अपना आँखों का अस्पताल चलाते हैं, इन्होंने आँखों के काफ़ी कैंप लगाए जिसके माध्यम से
जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र थे वहाँ पर भी हम लोगों ने दवाइयाँ बांटी, राशन बांटा। हम सभी सामाजिक संस्थाओं से अनुरोध करते हैं कि आप इस बुरे समय में बाहर निकल कर आएँ और समाज की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर महेंद्र सभी कायमगंज नगरवासियों से कहना चाहूँगा कि जिसको भी मास्क की ज़रूरत है वे हमारे अस्पताल पहुँच कर मास्क प्राप्त कर सकता है। बाकी हमारी महिंद्रा टास्क फोर्स और कल्याणम रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा हर रोज़ यहां पर मास्क वितरण प्रोग्राम होगा लगातार, और मैं यही अनुरोध करूंगा कि सभी लोग जागरूक होकर मास्क लगाएं, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।